तो शास्त्री 1964 से 1966 तक सर्व करने वाले भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। वे कांग्रेस के नेता थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो अपनी सिंप्लिसिटी और इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे। वेलकम टू आवर चैनल योर व्यूज योर न्यूज। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। वेलकम टू आवर चैनल योर व्यूज। छोटे कद और कमजोर शास्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी पावरफुल टेक्टिक्स थी। मोर देन एनीथिंग एल्स, वह एक मिलिट्री को डायरेक्ट कर पाकिस्तान को वॉर के लिए ललकारा था और विक्ट्री हासिल की थी। अपने नारे जय जवान जय किसान के माध्यम से शास्त्री ने सोल्जर्स और फार्मर्स दोनों को समान रूप से उत्साहित किया था। सोल्जर्स को देश की रक्षा के लिए और किसानों को फूड प्रोडक्शन बढ़ाने और वॉर के समय इम्पोर्ट को कम करने के लिए एनकरेज किया। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ 1965 वॉर के दौरान इंडिया को लीड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। सितंबर 1965 में युद्ध छिड़ गया जब पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बॉर्डर में रन ऑफ कच्छ में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर कश्मीर रीजन में सेकेंड फ्रंट खोल दिया। शास्त्री जी ने पाकिस्तान एग्रेशन का तुरंत और डिसिसिव जवाब दिया। उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी इन्वेजन पर जबरदस्त मुकाबला करने का ऑर्डर दिया और पर्सनली पूरे वॉर पर पल पल की नजर रखी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी इन्वेजन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको पीछे ढकेलने में सक्षम रही। ये वॉर 6 सितंबर 1965 को शुरू हुआ जब जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के एरियाज में भारी लड़ाई के साथ वॉर तेजी से बढ़ा। इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सफल एयर रेड्स की। आगे चल के वॉर में दोनों देशों की नेवी ने पार्टिसिपेट किया जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची पर सक्सेसफुल अटैक्स किए। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा भारत को अपने अलाइज मेनली सोवियत यूनियन से सपोर्ट मिला जिसने इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को यूएसए और अदर कंट्रीज से सपोर्ट मिला। इंटेंस फाइट के बावजूद वॉर एंड हुआ जिसमें दोनों साइड्स को भारी डैमेजेस हुए और पाकिस्तान मिलिट्री और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इंडियन आर्मी ने 3900 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान की लैंड पर विजय हासिल की। वहीं पाकिस्तान ने इंडिया की मात्र 650 स्क्वायर किलोमीटर लैंड अपने कब्जे में ली। 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के सीज फायर की अपील के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अंत में इंडिया पाकिस्तानी इन्वेजन को पीछे हटाने में सक्षम रहा और जीत हासिल करी। पाकिस्तान के मिलिट्री नुकसान बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने बहुत सारे अपने रीजन्स को खो दिया था। युद्ध में भारत की जीत ने इंडिया का मोरल बढ़ाया और वॉर के दौरान शास्त्री के लीडरशिप का लोहा मनवाया। शास्त्री जी ने वॉर के दौरान भारत के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उन्होंने सोवियत यूनियन और अन्य कंट्रीज से सपोर्ट मांगा और वो मिला भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग थलग करने में कामयाब रहे। शास्त्री जी ने अपने भाषणों और पब्लिक अपीयरेंस के साथ वॉर एफर्ट्स के पीछे इंडियंस को एकजुट करने में भी मदद की। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से अपने जय जवान जय किसान के नारे के साथ पूरे नेशन को यूनाइट किया और लड़ने के लिए एनकरेज किया जो नेशन वाइड स्लोगन बन गया। हालांकि वॉर इंडिया के लिए एक पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ, यह नुकसान के अपने हिस्से के बिना नहीं था। शास्त्री ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में बातचीत के लिए पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान से मुलाकात की और ताशकंद डिक्लेरेशन पे साइन किया जिसने सीज फायर हासिल किया। अनफॉर्चुनेटली उसी रात उनका निधन हो गया। यह भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में व्यापक रूप से याद किया जाता है जिन्होंने देश को एकजुट किया और भारत को एक प्रमुख इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में स्टैब्लिश करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया।